हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम सब पढ़ेंगे क्लास सिक्स का हिंदी चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है बच्चों हार की जीत। ये बच्चों स्टोरी बेसिकली बाबा भारती और खड़क सिंह घोड़े पर आधारित है और इसके लेखक हैं सुदर्शन जी। तो चलिए बच्चों स्टोरी को पढ़ते हैं हम लोग। माँ को अपने बेटे, किसान को अपने लहलहाते खेत, गुरु को अपने शिष्य और साहूकार को अपने देनदार को देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर होता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता, मतलब घोड़े को टाइम दिया जाता था, जो समय था घोड़े को दिया जाता था। यह घोड़ा बड़ा सुंदर और बलवान था। इसके जोड़े का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था, मतलब इसके जैसा घोड़ा पूरा इलाका में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, मतलब बच्चों अपने हाथ से उसको सहलाते, खुद दाना खिलाते और देख रेख कर प्रसन्न होते थे, मतलब उसको खुद उसको सहलाते, उसको खाना खिलाते और घोड़े को देखकर, जिसका नाम सुल्तान था, सुल्तान को देख देख कर मन ही मन प्रसन्न होते थे, मतलब खुश होते थे बाबा भारती। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। वह गांव से बाहर छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। सुल्तान से बिछड़ने की वेदना उनके लिए असह्य थी, मतलब वो कभी कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि घोड़ा उनके पास नहीं होगा। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। वे कहते थे कि सुल्तान ऐसे चलता है जैसे घनघटा को देखकर मोर नाचता हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर वे ना लगा लेते, तब तक उन्हें चैन ना आता। देखो बच्चों, इस फोटो में आप लोग देखो, ये बाबा भारती हैं, उनका ये घोड़ा है, घास खिला रहे हैं। इस फोटो में तुम देख सकते हो कि बाबा भारती अपने घोड़े, जिसका नाम सुल्तान था, कैसे उसको प्यार करते हैं। कहानी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची, मतलब सुल्तान अपने इलाका में ऐसा घोड़ा था कि उसके जैसा कोई घोड़ा था ही नहीं, तो उसका जो गुण था, उसकी जो वाहवाही थी सुल्तान का, खड़क सिंह के कान में भी पड़ा। उसके हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। किसका? खड़क सिंह डाकू का। किसको देखने के लिए? सुल्तान घोड़ा को देखने के लिए। एक दिन दोपहर के समय वह बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? आपकी दया है, खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। बाबा भारती ने फिर पूछा, कहो फिर इधर कैसे आना हुआ? सुल्तान की चाह खींच लाई बाबा, खड़क सिंह ने उत्तर दिया। बाबा भारती बोले, बड़ा विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, खड़क सिंह बोले। बाबा भारती बोले, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है, ये खड़क सिंह ने बोला। बाबा भारती बोले,
जो एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। मतलब ऐसा था सुल्तान घोड़ा, इतना सुंदर था, इतना प्यारा था कि जो भी उसको कोई देखता उसके हृदय में समा जाता। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो गया हूँ, खड़क सिंह ने कहा बाबा भारती से। बाबा और डाकू खड़क सिंह अस्तबल में गए। अस्तबल बच्चों घोड़ा जहाँ पर रहता है उसको बोलते हैं, हम लोग जहाँ पर रहते हैं उसको घर बोलते हैं, और घोड़े जहाँ पर रहते हैं उसको अस्तबल बोलते हैं। बाबा ने घोड़ा दिखाया गर्व से, और खड़क सिंह ने घोड़ा देखकर आश्चर्य से, उसने सरहसों घोड़े देखे थे परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से आज तक ना गुजरा था। वह सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए, इस साधु को ऐसी चीजों से क्या मतलब। खड़क सिंह ने मन ही मन सोचा। कुछ देर तक वह आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी। वह बालकों की तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी जब तक इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा। बाबा जी मनुष्य थे, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनकर उनका हृदय फूला ना समाया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक वे उचक्कर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से दौड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाती वह उस पर अपना अधिकार समझता था। मतलब डाकुओं का बच्चों ये होता है, जो पसंद आ गया वो समझता है कि अब तो मेरा है। उसके पास बाहुबल था, रुपया था और आदमी भी थे। जाते जाते वह बाबा से बोला, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती घबरा गए। अब उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। सारी सारी रात वह अस्तबल की रखवाली करते। प्रति क्षण उन्हें खड़क सिंह का भय लगा रहता था। कई मास बीत गए, कई मास मतलब कई महीने बीत गए, किंतु वह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए और इस भय को स्वप्न के भय के समान मिथ्या समझने लगे। मतलब मिथ्या समझने लगे, मतलब हो गया झूठ समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। उस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। वे कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन ही मन फूले न समाते। अचानक एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की बात भी सुनते जाना। इस आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को थाम लिया और देखा कि एक अपाहिज वृक्ष की छाया में करा रहा। वे बोले, तुम्हें क्या कष्ट है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूं, मुझ पर रहम करो। रामावाला यहाँ से 3 मील की दूरी पर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। बाबा ने पूछा, वहाँ तुम्हारा कौन है। अपने दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती घोड़े से उतरकर उसे घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक उन्हें झटका लगा और लगाम के उनके हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठ गया और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और उसके पश्चात
निश्चय करके पूरी बल से चिल्ला कर कहा, जरा ठहर जाओ बाबा जी, अब यह घोड़ा ना दूंगा। बाबा बोले, परंतु मेरी एक बात सुनते जाओ खड़ग सिंह, मैं एक प्रार्थना करता हूँ, अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। देखिए बच्चों, इस फोटो को आप लोग देख सकते हो कि बाबा भारती यहाँ पड़े हुए हैं जमीन पर, और जो डाकू खड़ग सिंह है वे घोड़े के ऊपर बैठा है और भगा कर चुराना चाहता है घोड़ा को। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। अब तुम घोड़े का नाम मत लो। बाबा भारती बोले, मैं तुमको इसके विषय में कुछ ना कहूंगा, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। बाबा भारती ने कहा। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर वहां से भगाना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है बाबा का, ये सोचने लगा खड़ग सिंह। बाबा भारती ने कहा, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी अपाहिज पर विश्वास ना करेंगे। यह कहते कहते उन्हें सुनालतान की ओर से मुंह मोड़ लिया, जैसे उसे कोई संबंध ही ना हो, ऐसे मुंह मोड़ लिए जैसे उसे कोई संबंध ही ना हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई, साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का बना दिया था। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अपने अस्तबल के अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े से गले लिपटकर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिनों के पिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुख पर थपकियां देते, फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। तो बच्चों, ये थी बाबा भारती डाकू खड़ग सिंह, और जो सबसे मेन पॉइंट था वो है घोड़ा जिसका नाम सुल्तान था। और इसी के साथ ये बच्चों प्यारी सी कहानी खत्म होती है। और इस कहानी के लेखक हैं सुदर्शन। और बच्चों देखो, ये कुछ शब्दार्थ है जो आप लोग पढ़ लो, आपको कहानी समझने में और आसानी होगी। जैसे है, देनदार का अर्थ होता है कर्जदार, छवि का अर्थ है शोभा और सुंदरता, बांका का अर्थ है अनोखा एवं सुंदर, विस्मय का अर्थ हुआ आश्चर्य मतलब अचानक, असहय का हुआ असहनीय मतलब जो सहन नहीं होता हो, जो बर्दाश्त नहीं होता हो, उसे असहय या असहनीय कहते हैं। अंकित हो गया लिखा हुआ, करुणा मतलब दया, और प्रयोजन का अर्थ है मतलब तथा उपयोग। तो बच्चों, ये शब्दार्थ आपके काम आएंगे। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम मिलेंगे इस स्टोरी का क्वेश्चन आंसर लेकर। तब तक के लिए घर पे रहो और सुरक्षित रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में।